आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुख करते हैं बड़ी खबर का। 5 राज्यों के चुनाव के कारण 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम आज 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में अब 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 949.50 रुपए में मिलेगा। वही पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.47 प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 110.82 तो डीजल 95 रुपए हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 105.51 तो डीजल की बात करें तो 90.62 और चेन्नई में पेट्रोल की बात करें तो 102.16 और डीजल 92.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम जो है वो तेजी से बढ़ते हुए 7 मार्च को 139.13 डॉलर पर पहुंच गया था। इससे पहले 2008 में कच्चे तेल का दाम 140 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा था। हालांकि अब क्रूड की कीमतों में तेजी से वो गिर रही है। 10 मार्च को कच्चे तेल के दाम 108.60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए थे। जानकार बताते हैं कि क्रूड के रेट में गिरावट का जो ये क्रम है अभी आगे और जारी रहेगा। तो ये थी बात पेट्रोल डीजल की कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है, जिससे लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर इसका असर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।